जनाब राशिद लंगड़ियाल साहब, मुअज्ज़िज़ वफाकी व सूबाई वज़रा साहबान, मुअज्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली पंजाब, मुअज्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी की बात है कि आज 21 महीनों के बाद मैं यहाँ फिर हाजिर हुआ हूँ और आंखें देखकर इतनी हैरान हो रही हैं कि 21 माह पहले इस जगह पर खेत थे, मैदान थे और आज इतना बड़ा मंसूबा अल्लाह के फजलो करम से तैयार हो चुका है। यकीन नहीं आता और आप भी बड़े हैरान होंगे जो उस वक्त 21 महीने पहले यहां पे आए थे और आज आप फिर दोबारा यहां पे पहुंचे हैं। अभी जब हम ऑपरेशन रूम में थे तो वो 21 महीनों में नहीं बनता, इस बिल्डिंग का, इस कारखाने का एक सेक्शन, एक यानी दसवां हिस्सा जो है वो 21 महीनों में तैयार नहीं हो सकता, चे जाए कि इतना बड़ा प्लांट अल्लाह के फजलो करम से आज तैयार हो चुका है। और ये बड़ा, मैं खुद हैरान होता हूं कि ये पाकिस्तान में एक नई रवायत कायम हो रही है। ये रवायत ना हमने पहले कभी देखी ना सुनी और आज माशाल्लाह 21 महीनों में इतने बड़े मंसूबे आज बन रहे हैं। और पावर सेक्टर में आज मैंने जैसे कि पिछले दिनों ये कहा था कि हर आने वाले महीने में कोई ना कोई मंसूबा जो है वो आज तैयार हो रहा है इफ्तिताह के लिए। दर्जनों मंसूबे इस वक्त बन रहे हैं और बिजली की जो पैदावार है, जब हमने हुकूमत संभाली उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 7000 मेगावाट बढ़ चुकी है, 7000। उस वक्त 12000 थी, क्यों खाजे साहब, उस वक्त 12 या 13000 थी और आज 19000 है, इतना फर्क पड़ा है। और आज का मंसूबा इंशाल्लाह और आने वाले मंसूबे उसमें और इजाफा करेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि पाकिस्तान में रोशनियां वापस लौट रही हैं, अंधेरे छा चुके थे इस मुल्क के अंदर, वाकईतन अंधेरे छा चुके थे, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, काश्तकार के ट्यूबवेल नहीं चलते थे, मुल्क के अंदर घरों में अंधेरा था। आज जब ये प्लांट चल रहे हैं तो अल्लाह के फजल से घरों में बिजली जा रही है, उन घरों में भी बिजली जा रही जहां बिजली का वजूद नहीं था, नई नई बस्तियों में बिजली जा रही है, किसानों के ट्यूबवेल चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, खुशहाली आ रही है मुल्क में। आज मैं हैरान हो रहा था एक दो दिन पहले सुनकर कि मुल्क के अंदर जो टूरिज्म है, मकामी टूरिज्म, टूरिस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पहाड़ों में जगह नहीं मिलती ठहरने को। और आज मुझे शायद खाकान अब्बासी बता रहे थे कि 40-40 हजार रुपए का एक कमरा मिलता है कागान में, नारान में, और बाकी जगहों पे मुझे वजीर आजम आजाद कश्मीर बता रहे थे, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान बता रहे थे कि हमने टेंट्स बनाए हैं मैदानों के अंदर, क्योंकि ना होटलों में जगह है, ना मोटल्स में जगह है, ना रेस्ट हाउसेस में जगह है, और लोगों की कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की जो जा रहे हैं इन इलाकों में टूरिज्म के लिए, फैमिलीज जा रही हैं,
خاندان کے خاندان جا رہے ہیں. یہ پاکستان میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی آ رہی ہے, پرچیزنگ پاور بڑھ رہی ہے لوگوں کی, لوگوں کی آمدنی بڑھ رہی ہے, لوگوں کے پاس وسائل ہیں کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ایسا ہو رہا ہے, دیکھنے اور سننے میں یہ بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ انڈسٹری بڑھی ہے. پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.3% ہوا ہے, جو پچھلے 10-12 سالوں میں پھر آ کے 5.3%. جب میں پچھلی دفعہ وزیر اعظم تھا تو 7% تک ہمارا گروتھ ریٹ پہنچا تھا, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگلے 1-2 سالوں میں ہم 7% سے بھی آگے نکل جائیں گے. ایگریکلچر سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور اس طرح کے منصوبے انشاءاللہ لوگوں کو اور امیدیں بڑھا رہے ہیں کہ انشاءاللہ لگاؤ کارخانے, بجلی آ رہی ہے. اور ہم نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا ان کارخانوں کو لگانے کا. آتے ساتھ ہی شہباز شریف صاحب بھی ان میٹنگوں کو بہت اٹینڈ کر چکے ہیں, جو ہم نے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہم نے جو ہے اس کا قیام کیا. اور یہ معاملہ صرف کیبنٹ تک محدود نہیں رکھا, یہ صرف معاملہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی میٹنگوں تک محدود نہیں رکھا. ہم نے اس پہ کیبنٹ کمیٹی ایک بنائی, جس میں جو ہے وہ ہر ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ اس کی میٹنگ ہوتی تھی, اور وہاں اس پہ بہت زور و شور کے ساتھ بحث ہوتی تھی. کیونکہ میرا وعدہ تھا قوم کے ساتھ, ہمارا قوم کے ساتھ وعدہ تھا, مسلم لیگ نون کا قوم کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندھیرے دور کریں گے, وعدہ تھا کہ ہم بجلی کو واپس لے کر آئیں گے. اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ وعدہ بہت حد تک آج پورا کر دیا ہے. جو رہی صحیح کثر ہے وہ انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں انشاءاللہ پوری کر دیں گے. اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج واقعتاً ہم لوڈ شیڈنگ کو دیش نکالا دے رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہے ہیں. اور لوڈ شیڈنگ کے ذمہ داروں کو آپ کو پوچھنا چاہیے, بھائی آپ نے پاکستان کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ شروع کیوں کی, پاکستان میں اندھیرے کیوں پیدا کیے آپ نے, اور یہ آپ 10-15 سال کی نالائکی کی وجہ ہے, یہ مجرمانہ غفلت کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہوئے. نہیں ہونے چاہیے تھے, اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی زیادتی کہ آپ روشنیاں چھین لیں, آپ اندھیروں میں ڈبو دیں اس قوم کو, خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور یہ آج ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں. یہی تو بھائی ہمارے مخالفین کو جو ہے یہی تو ان کو تکلیف ہے, ان کو یہی تکلیف ہے کہ پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ اندھیرے ختم ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر سڑک اور موٹر ویز بن رہے ہیں, جگہ جگہ ماشاءاللہ موٹر ویز پہ کام جاری ہے, جگہ جگہ ہائی ویز بن رہی ہیں, کسی جگہ پہ 4 لین ہے, کسی جگہ پہ 6 لین ہے, اور ماشاءاللہ یہاں سے اب پشاور کراچی سے ملنے جا رہا ہے موٹر وے کے ذریعے سے, گوادر جو ہے وہ کنجراب سے مل رہا ہے ایکسپریس ہائی وے کے ذریعے سے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہاں اس علاقے کے اندر بھی جو ہے وہ فیصل آباد سے لے کے تو ملتان تک اب یہ 4 لین سڑک یہاں پہ جا رہی ہے, اور تھوڑے فاصلے پہ 6 لین موٹر وے لاہور سے ملتان جا رہی ہے, آگے ملتان سے سکر جا رہی ہے, بندی شروع ہو چکی ہے, سکر سے حیدرآباد انشاءاللہ وہ بھی انقریب بننی شروع ہو جائے گی, اور حیدرآباد کراچی تو 14 اگست کو انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی. یہ تھرو آؤٹ 6 لین ہے, 6 لین, یہ ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے, انقلاب, کوئی سمجھے تو جانے, انقلاب برپا ہو رہا ہے. اور یہ بھی کسی انقلاب سے کم نہیں ہے, جو بھی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں, جو منصوبہ دیکھ رہے ہیں,
ये किसी इंकलाब से कम नहीं है। और शबाश शरीफ साहब को दिल की गहराइयों से शाबाश देने को दिल चाहता है आपके साथ मिलकर कि माशाल्लाह दिन रात काम करते हैं और इन मंसूबों को मुकम्मल करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ख्वाजा आसिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने साथ मिलकर शाना बशाना इन मंसूबों को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा किया है और ये मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा शुक्रिया कि बर वक्त आपने गैस पहुंचाई यहां पर, बहुत बड़ी बात है भाई। ये मंसूबा सिर्फ ये मंसूबा नहीं है जो यहां पर आप देख रहे हैं, इस मंसूबे में बहुत और सारे मंसूबे भी शामिल हैं। कराची में टर्मिनल शामिल है जो कराची पोर्ट पे बनाया गया है जहां पे LNG आती है और वो गैस आती है और फिर उस गैस को यहां तक पहुंचाया जाता है पाइप के जरिए से। ये कोई छोटे मंसूबे नहीं है। और फिर अभी पिछले दिनों जब हमने साहिवाल पावर प्लांट का इफ्तिताह किया था जो 1320 मेगावाट का है, वहां वो कोयले से प्लांट चलता है। भाई कोयला गैर मुल्की कोयला है वो, जो पहले कराची आया तो कराची से ट्रेन में साहिवाल आया और साहिवाल ट्रेनें उस मंसूबे के अंदर आती हैं और उसके बाद फिर वो मंसूबा को कोल फ्राहम करती है, कोयला फ्राहम करती है और मंसूबा चलता है और 1320 मेगावाट वो बिजली प्रोड्यूस करता है। इतने इतने बड़े मंसूबे वो भी 2 सालों के अंदर मुकम्मल किया है, ये कुछ छोटी बात नहीं है भाई। और अभी आपको शबाज शरीफ साहब ने बताया भिक्की का अल्लाह के फजल करम से हम इफ्तिताह कर चुके हैं। भिक्की के बाद इंशाल्लाह ये हवेली बहादुर शाह है, अब बल्लोकी की बारी है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर कराची में पोर्ट कासिम की बारी है। ये सब क्या हो रहा है, अनबिलीवेबल है ये। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं खुद यकीन नहीं करता कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से इतनी बड़ी खिदमत ली है इस कौम के लिए। और ये बुनियादी एक किसी मुल्क की मईशियत के लिए बिजली का किरदार बुनियादी किरदार होता है, बिजली के बगैर कुछ नहीं आजकल के दौर में। और वो क्या हुकूमत है जो अपने मुल्क को अपनी कौम को बिजली से महरूम कर देती है, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। और मैं ये समझता हूं कि उन लोगों का जितना कड़ा हिसाब लिया जाए उतना कम है, जिसमें वो डिक्टेटर भी शामिल था जो आजकल मुल्क से बाहर है, वो लोग भी शामिल हैं जो रोज आज सियासत में नित नई बातें करते हैं, वो भी बीच में शामिल हैं जिन्होंने खुद इस मुल्क के अंदर अंधेरे पैदा किए। आज वो भी कहते हैं जी कि जो ये बिजली जो है वो नवाज शरीफ साहब किस तरह से लेके आएंगे, भाई आ रही है बिजली। और फिर यहाँ पर ये तरक्की के मुखालिफ लोग यहाँ पे, तो उनका तो मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं है। खास तौर पे मैं इन बासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। और आप ये देखिए कि सिर्फ ये तरक्की नहीं हो रही, बिजली सस्ती भी आ रही है। ये जो मंसूबा है ये 6.42 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है, 6.42 रुपए। लंगड़ियाल साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? लंगड़ियाल साहब को भी बहुत बहुत शाबाश, बहुत उम्दा काम किया इन्होंने। ये हैं जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन सिविल सर्वेंट्स जो वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ, खुलूस के साथ काम कर रहे हैं और मुल्क की तामीर कर रहे हैं। और फिर इन्होंने ये मंसूबे लगाए हैं और आज 168 अरब रुपया जो है वो इन दो मंसूबों में बचाया है। यहां पर ये ऑपोजिशन वाले हमारे एहतसाब की बात करते हैं, भाई ये जो पैसा बचाया है 168 की जो बचत हुई है 168 अरब रुपए की,
भाई उसकी कम से कम और तो कोई शाबाशी दे छोड़ो, कोई ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी बचत है। और इस 168 अरब रुपए की बचत से हम और कई मंसूबे लगा सकते हैं। और फिर बिजली की जो मैंने बात की थी, सिर्फ बिजली वापस नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर, बिजली सस्ती भी आ रही है। आइंदा आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह सस्ती बिजली का वक्त है। हमारे ऐसे कई मंसूबे थे जो 24 रुपए का यूनिट बना रहे थे, आज भी हैं जो फर्नेस ऑयल पर चलते हैं, लेकिन ये मंसूबा 24 रुपए का नहीं, 6.5 रुपए बिजली का यूनिट बना रहे हैं। कितना फर्क है, बिजली सस्ती होगी किसान को फायदा होगा, बिजली सस्ती होगी काश्तकार को फायदा होगा, बिजली सस्ती होगी इंडस्ट्री को फायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, बिजली सस्ती होगी लोगों को बिल बिजली के बिल कम अदा करने पड़ेंगे, और बिजली सस्ती होगी तो मुल्क के वारे न्यारे होंगे। ये पाकिस्तान को चलाना जो है भाई कमिटमेंट के साथ इसको चलाया जा सकता है। और हमने अल्लाह के फजल व करम से अपने इस 4 साल दौर में कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक खुशी की खबर आपको यह है कि इंशाल्लाह 10 जुलाई यानी जो 3 दिन के बाद, जिस दिन JIT को तो आप जानते हैं, JIT को जानते हैं या नहीं जानते, जो वो कर रही है वो भी आप जानते हैं या नहीं जानते, 10 जुलाई को उन्होंने कहा जी रिपोर्ट JIT दे, उसी 10 जुलाई को इंशाल्लाह दासु पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये इंडस रिवर पर दासू का मकाम है जो इस्लामाबाद से खुंजराब जो चाइना बॉर्डर पर जो सड़क जाती है उसके रास्ते में है। और ये इतना बड़ा मंसूबा है अल्लाह के फजल व करम से कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। 4500 मेगावाट बिजली इंशाल्लाह जनरेट करेगा, 4500, ना मंगला करता है 4500, ना तरबेला करता है 4500, ना कोई और मंसूबा 4500 करता है, ये 4500 मेगावाट देगा। और ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिसकी संगे बुनियाद हम, जिसकी तामीर जो है 10 जुलाई 3 दिन के बाद इंशाल्लाह उसकी शुरू होगी। ये हैं वो मंसूबे भाई, ये हैं वो मंसूबे। और फिर उसके बाद भाषा डैम भी जो है वो अब तक तकरीबन तैयारी के मराहिल आखिरी मराहिल में, भाषा डैम जो इतना ही 4500 मेगावाट बिजली वो भी जनरेट करेगा। और वो बहुत बड़ी एक अपना वाटर रिजर्वॉयर भी है, वो बहुत बड़ा डैम भी है जो न सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करेगा बल्कि वो इरिगेशन के लिए पानी भी मुहैया करेगा, एग्रीकल्चर के लिए काश्तकारों को पानी मुहैया करेगा। और वो सबसे बड़ा डैम है, वो मंगला से भी बड़ा डैम है और वो तरबेला से भी बड़ा डैम है। हमारी नजर अल्लाह के फजल व करम से हर सतह पर, हर जगह पर है, हर सेक्टर में है। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है, लेकिन ये पिछले जो दिन गुजरे हैं, जो गुजर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी की वेव पैदा की है, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी जो है वो कमजोर हुई है। और आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों में कितनी नीचे आई है स्टॉक मार्केट, कितनी तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन जब से ये इंस्टेबिलिटी और जब से ये अनसर्टेनिटी के दिन शुरू हुए हैं उससे कितनी बुरी तरह से ये इफेक्ट हुई है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि 1-2 दिन पहले रुपए की कीमत जो है उसमें भी फर्क आया है, लेकिन हम अल्लाह के फजल व करम से हमारा अज़्म मजबूत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको
कि जिन लोगों ने हमें रोकने के लिए आसमान सर पर उठा रखा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप हजार मर्तबा भी आसमान सर पर उठाएंगे, हमें इंशाअल्लाह इस खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। हम इंशाअल्लाह अपना ये काम, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। आपका काम है या आपको यही काम मिला है, आप उसको करते रहें बेशक, और आप जो कुछ पिछले चार सालों से आप कर रहे हैं ये कौम जानती है। मुस्लिम लीग नून से आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार शिकस्त खाई है, आइंदा भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून आपको शिकस्त देगी। और आप समझते हैं कि आप इंशाल्लाह इलेक्शन के मैदान में अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन जीत नहीं सकते, बस सिर्फ आप साजिश करते हैं, आप साजिश करते हैं, इलेक्शन जीतने की आप में सकत नहीं है, और कभी आप धांधली की आड़ में आप साजिश करते हैं, कभी आप अपना ये जो आपने अपना धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं, एहतसाब की आड़ में आप साजिश करते हैं, और कभी जेआईटी के पीछे छुपते हैं। भाई इस तरह के आप समझते हैं कि जी आप चूंकि इलेक्शन नहीं जीत सकते, कोई ना कोई आप साजिश के जरिए आप जो है ना वो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। ये तो बुजदली है, बुजदली, परले दर्जे की बुजदली है। आप अपना जो है इन चीजों के पीछे छुपने की बजाय, आड़ लेने की बजाय, आप मैदान में आओ, मैदान में आके मुकाबला करो, आओ मैदान में। जब कहोगे हम मैदान में आने को तैयार हैं आपके मुकाबले में, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, हमें भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, आपके किरदार को भी जानते हैं, आपके काम को भी जानते हैं, और वो जानते हैं कि हमारा भी माशाल्लाह एक मस्बत किरदार पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तानी पाकिस्तान की डेवलपमेंट में है। हमारे तो और बड़े बड़े मंसूबे हैं भाई, अभी देखें देहातों में क्या हो रहा है, खेतों से मंडियां तक सड़कें बन रही हैं, देहातों में स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, एजुकेशन आ रही है, हेल्थ केयर आ रही है, और देहातों के अंदर एग्रीकल्चर के लिए माशाल्लाह बेशुमार पॉलिसीज हैं हमारी। हम वो लोग हैं जिन्होंने फर्टिलाइजर को सस्ता किया, खाद को सस्ता किया, आइंदा और भी करेंगे इंशाल्लाह, किसानों की इससे भी ज्यादा खिदमत करेंगे, उनको बिजली भी सस्ती देंगे, गैस भी सस्ती मिलेगी, इंडस्ट्री की माशाल्लाह हम खिदमत कर रहे हैं, और अपनी मसनूआत को और सस्ता करने की कोशिश करें ताकि वो एक्सपोर्ट में जो है वो दूसरों का मुकाबला कर सकें। हम ये काम अपना जारी रखेंगे, जाके कोई बलूचिस्तान में देखे कि कितनी तरक्की का एक अमल शुरू है अल्लाह के फजलो करम से। केपीके में मोटरवे हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह इसी साल उसका इफ्तिताह होने वाला है, हजारों मोटरवे हम बना रहे हैं, केपीके को हम तामीर कर रहे हैं, केपीके के अंदर लवारी टनल को हम बना रहे हैं। 26 अरब रुपया हमने दिया है पिछले दो सालों में ताकि लवारी टनल जो कि पिछले 50 सालों से तामीर जेरे तामीर है उसको मुकम्मल किया जा सके, आज वो मुकम्मल हो रही है, इंशाल्लाह अगले दो महीनों में इसका इफ्तिताह हो रहा है। ये कोई मामूली बातें नहीं है, इतने से बड़े डैम बन रहे हैं, दासू बन रहा है, द्यामर भाषा बन रहा है, और फिर सिंध के अंदर जो है वो थर के अंदर पाकिस्तानी कोयले के इस्तेमाल, कोयले से हम मंसूबे बना रहे हैं, जो पाकिस्तानी कोयला है, और ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये मंसूबे सिंध के अंदर मुकामी कोयले से बन रहे हैं। ये छोटी चीजें नहीं है, आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कम्युनिकेशन बन रहा है आपका, बिजली के साथ साथ मैंने पहले अर्ज किया है सड़कें, मोटरवेज और हाईवेज बन रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में कभी आज तक
ना सड़कें इस मुल्क में बनी है, ना हाईवेज बनी है, ना मोटरवेज बनी है। शहरों में कहीं मेट्रो बस आ रही है अलग फजलो करम से, कहीं आपकी ऑरेंज लाइन आ रही है। शहरों में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर हो रहा है। एक जमाना था, मैं शहरों में लाहौर जैसे शहर में भी मैं देखता था कि छोटे छोटे बसें वैगने, नौजवान छोटे छोटे लड़के स्कूलों में जाते हुए कॉलेज जाने के लिए उसके पीछे जंगले से लटक रहे हैं, पकड़ के लटक रहे हैं। खुदा न खासा जंगला जरा कमजोर हो तो कितनी मुसीबत आ सकती है अगर वो गिर जाए तो। आज शाद और नादर ये चीज नजर कहीं आती है। आज अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत बहुत शाबाश देने को इस बात पे भी दिल चाहता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई जंगला बस कहता है उसको, कोई उसको अपना और क्या कहते हैं उसको, जंगले बस के साथ साथ क्या कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उन गरीबों से पूछो, छोटी छोटी बच्चियों से, बच्चों से, मजदूरों से पूछे कोई जाकर कि वो पहले किस तरह से सफर करते थे अपने घर से अपने स्कूल तक, अपने काम की जगह तक, अपने दफ्तर तक, अपनी मजदूरी के लिए कैसे जाते थे वो एक बस से दूसरी बस में, उसके बाद किसी जगह पे रिक्शा पे बैठते थे और पता नहीं कितने रुपए रोज खर्च करते थे, सैकड़ों रुपए रोज खर्च करते थे सिर्फ आने जाने में। आज 25-25 रुपए में, 20-20 रुपए में वो अपना सफर मुकम्मल करते हैं। ये लोग उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। कभी पूछो उनके जाकर उनको, उनके घर में जाकर खबर लो कि वो किस हाल में जिंदगी बसर करते हैं। और ये मेट्रो बस के बाद कितनी उनमें अल्लाह के फजल करम से इनके घरों में खुशी की लहर दौड़ी है। आज ये लाहौर से ऑरेंज लाइन शुरू हुई है, ये इंशाल्लाह पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। हम अपनी ट्रेनों को जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, अपने रेलवे सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। 8 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं उस पर, यानी 800 अरब रुपया। हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है इंशाल्लाह। जहां हमारी स्पीड 80 किलोमीटर थी, 120 किलोमीटर पे उसको लेके जा रहे हैं। ये छोटे मंसूबे नहीं है, ये पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है पाकिस्तान। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों के सफ के अंदर इंशाल्लाह एक नंबर पे होगा अल्लाह के फजल करम से। बहरहाल आज का जो फंक्शन है थोड़ा लेट शुरू हुआ, कुछ तकरीरें भी ज्यादा थी और वक्त भी ज्यादा लग गया। लिया मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक भरपूर शाबाश आप उनको दें। और ये मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब पंजाब स्पीड पे काम कर रहे हैं, और पंजाब स्पीड माशाल्लाह चाइना तक पहुंच चुकी है कि चाइना भी पंजाब स्पीड को जो है वो उसका इतराफ कर रहा है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जंग में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। बहादुर शाह पावर प्लांट का उन्होंने इफ्तिताह किया। उनकी जानिब से कहा गया कि 21 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। मुखालिफीन को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनकी जानिब से उन्होंने कहा कि मुखालिफीन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही।